हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा टेली में जो एक प्रॉब्लम मैंने बहुत सारे यूज़र को फेस करते हुए देखा है कि उसका लाइसेंस बार बार सरेंडर हो जाता है, उसको फिर से लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न एक तो है कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन 6 वर्जन आया है, तो उसके बाद ये अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहता है तो ये प्रॉब्लम आने का ज़्यादातर चांसेस रहता है। और अगर आपने जब भी हम लोग टेली इंस्टॉल कर देते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद एक जो ऑप्शन रहता है उसको हमें अप्लाई करना पड़ता है, फिर आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और क्या चीज़ आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टेली का जो आपको डेस्कटॉप पे जो आइकॉन आएगा, वो आइकॉन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और कंपेटिबिलिटी को में ये जो ऑप्शन रहेगा रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उसमें टिक किया नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे टिक करके रखना है। उससे क्या होगा कि यह प्रोग्राम आपसे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेगा। ज़्यादातर विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम में आपको आपको जो भी ये प्रोग्राम होता है वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वर्क होना चाहिए, तो ही वो प्रॉपर वर्क करता है। तो टेली में भी वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है, तो हमें उसको पहली बार ये ऑप्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ये चीज़ अप्लाई कर दोगे तो फिर आपको ये बार बार सरेंडर का और रीएक्टिवेशन करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको आगे हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू।